भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन मरुधरा पर। जेपी नड्डा का संगठनात्मक दौरा उदयपुर और जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर है। नड्डा सुबह कुछ देर में विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे उदयपुर। होटल हावर जॉनसन में उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे। बैठक में उदयपुर शहर देहात चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के पदाधिकारी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे डूंगरपुर राजसमंद और बांसवाड़ा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर करीब 4 बजे जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर के होटल कस्तूरी ऑर्चर्ड में जोधपुर संभाग के पदाधिकारी की बैठक लेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं। तो संगठनात्मक दौरा है। रवि शर्मा सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। तो रवि, पाची में कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज तक मजबूती तो देनी है, चुनाव आ चुके हैं, पहली लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन संगठन में भी मजबूती देनी है और इसीलिए वो दोनों मिलकर, यानी सत्ता और पार्टी और संगठन मिलकर ही सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। फिलहाल जेपी नड्डा आ रहे हैं, जीत का मंत्र दिया जाएगा, संभागीय स्तर पर पदाधिकारियों से बैठक होगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, लेकिन पहले ये अपडेट कीजिए जेपी नड्डा कितने बजे तक आएंगे, क्या तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, करीब 10:05 का उनका निर्धारित कार्यक्रम है डवोक एयरपोर्ट पहुंचने का, और डवोक एयरपोर्ट से सीधे होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे जो कि सोभागपुरा इलाके में स्थित है। होटल के बाहर आप देख सकते हैं सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले जब डवोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो हैं वो उनका स्वागत करेंगे, और वहां से सीधे जेपी नड्डा जो हैं वो इस होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे जहां पर 2 चरणों में बैठक होनी है उदयपुर संभाग की। पहले चरण में उदयपुर शहर देहात, इसके अलावा प्रतापगढ़ और चित्तौड़, और दूसरे चरण में डूंगरपुर बांसवाड़ा और राजसमंद के जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं, यानी कि जो भी प्रदेश प्रभारी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, फीडबैक देंगे। और देखिए बड़ी संख्या में भाजपाई जो हैं वो अल सुबह से यहाँ पर हैं, तैयार होकर यहाँ पहुँचे हैं कि किस तरीके से जब जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले उनका मेवाड़ी अंदाज में स्वागत होगा और उसके बाद उन्हें जो भी फीडबैक देना है वो दिया जाएगा। बेहद गोपनीय रहेंगी ये बैठकें जिनमें कि संभाग भर के पदाधिकारियों से इंटरेक्ट करेंगे। मेरे साथ में कुछ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं कितना उत्साह है आप लोगों में जब जेपी नड्डा जी उदयपुर आ रहे हैं और आप लोगों से चर्चा करेंगे। आदरणीय भाई साहब, उत्साह तो बहुत ज्यादा है, कारण के पिछले जो 3 सालों से 2.5 सालों से ये कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार जितने भ्रष्टाचार कर रही थी तो हम तो लोग उसको नहीं हटा सकते, लेकिन ये कार्यकर्ता जो अपनी मैंने सोच रहे थे कब ये चुनाव आवे और कब इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को हटावे, तो हम तो चुनाव आयोग का घोषणा हो गई है हम तो हटाना चाहते हैं। और इस मौके पर जेपी नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन मतलब अध्यक्ष है अभी, तो हमें कुछ निर्देश देंगे और कैसे अधिक से अधिक हम जेपी नड्डा इंटरेक्ट करेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे कई सारे पदाधिकारियों से, किस तरह की तैयारी अंदर होटल में की गई है इस इंटरेक्शन कार्यक्रम को लेकर। देखिए आज 2 सत्र में बैठक होगी, पहले जो संगठनात्मक बैठक होगी वो उदयपुर शहर, उदयपुर देहात और प्रतापगढ़ जिले की होगी। पहले जो जिले के अंदर विभिन्न संगठनात्मक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष अलग अलग व्रत रखे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन भी रहेगा। उसके अलावा जो राज्य सरकार की विफलता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूनम, सबसे इम्पोर्टेंट एक और अपडेट मैं आपको करूं कि जब बैठक होगी तो इस बैठक में प्रत्याशी कौन होगा इस बात को लेकर मंथन नहीं होना है, मंथन इस बात पर होगा कि कैसे पार्टी को मेवाड़ में जिताया जाए, सभी जो सीटें हैं 28 जो सीटें हैं उन पर कैसे पार्टी जो है कब्जा करे और यहां पर भाजपा का राज कायम करे। चूंकि पिछले चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने इस संभाग में अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था लेकिन सत्ता से दूर रही थी, तो ऐसे में इस बार पूरी कोशिश यही होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपने पदाधिकारियों के बीच होंगे तो उनके साथ में पहले उनकी बातें सुनेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी जो है वो उन लोग कार्यकर्ताओं ने तैयार की है, कैसे चुनाव जिताया जाता है। हर विधानसभा वाइज जो है ये मंथन होगा, हर विधानसभा में क्या पॉलिटिकल समीकरण वहां के बन रहे हैं, कौन कौन किस किस तरीके से काम कर रहा है, कौन पदाधिकारी कितना इम्पोर्टेंट है और उसे किस तरीके से और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट इस बात पर ध्यान होगा
कि इस हर विधानसभा में कैसे पार्टी को की जीत जो है वो सुनिश्चित की जाए। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर यहाँ पर चर्चाएं नहीं होनी है कि कौन उम्मीदवार है, कितना मजबूत है, चूंकि तमाम सर्वे हो चुके हैं, ऑलरेडी फीडबैक्स जो हैं वो पार्टी के आलाकमान तक हैं। तो ऐसे में इन जो संभाग स्तरीय बैठकों का बड़ा मकसद है, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो भाजपा की सूची आई 41 प्रत्याशियों की, जिनमें कई जगहों पर थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो विरोध और विवाद की स्थितियां जो हैं वो देखने को मिली। तो ऐसे में सबसे बड़ी कोशिश यही है कि इस बार जो है जब आगामी और जो प्रत्याशियों की सूची आएगी उससे पहले किस तरीके से यहाँ का जो कार्यकर्ता है उसको एकजुट किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि वो पार्टी के फैसले के हिसाब से काम करें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर। तो ये जो तमाम चीजें हैं इस बैठक में चर्चा का विषय रहने वाली है। मेरे साथ में उप महापौर जो हैं पारस सिंह भी, वो भी पहुंचे हैं। पारस जी, आज की जो बैठक है कितनी इम्पोर्टेंट लग रही है आप लोगों में? क्या कितनी भी कहीं कोई छोटी मोटी गुटबाजी है तो उसमें भी जान फूंकने की कोशिश होगी कि वो गुटबाजी खत्म हो? हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी डिवीजन के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन का दायित्व अपने परिवार के मुखिया के नाते निर्वहन करते हैं। तो आज कार्यकर्ताओं को यही संदेश और यही मैसेज देने के लिए उनका भाव है कि कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, और उसको किसी भी कीमत में जीताना है, और सभी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए आज यहां पर आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, देखिए पूनम, जैसा कि तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको भी इस बात का मैसेज है कि जो चेहरा है वो पार्टी का सिंबल यानी कमल का फूल है, जो प्रत्याशी है वो भी पार्टी का सिंबल यानी कमल का फूल है। तो ऐसे में हर परिस्थिति में कार्यकर्ता को एकजुट रहना है। किसी भी तरह के प्रत्याशी चयन में अगर कोई भी छोटी मोटी बात अगर विरोध की उभरती भी है तो उससे कार्यकर्ता प्रभावित ना हो। कार्यकर्ता इस बात को ध्यान रखे कि उसे अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है, और यही वजह है कि दोनों चरणों में जो दो चरण हैं जिनमें सभी संभाग के सभी जिले कवर होंगे, सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं जिनको कि यहाँ पर बुलाया गया है फीडबैक के लिए, उन लोगों के साथ में चर्चा होगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन भी होगा। जी पूनम, चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। नड्डा सुबह कुछ ही देर में विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे उदयपुर और ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यकर्ता जो है वो लगातार तैयारी में जुटे हुए थे। दिग्गज नेता स्थानीय नेता जो है वो भी लगातार तैयारी में जुटे हुए थे, क्योंकि ये साफ है, क्योंकि उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, लिस्ट की बात की जाए, तो उसे लेकर पूरा वर्क होम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, पूरी तैयारी कर ली गई है, और इसीलिए इस पर कोई चर्चा नहीं।